ओके सो गाइस यार कैसे हो सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस बढ़िया रहे ना। तो आ चुका हूँ फिर से इंस्टाग्राम रील्स वायरल वीडियो एडिटिंग को लेके। तो आज की इस वीडियो में कुछ इस टाइप का वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ गाइस। यार इस भाई साहब के वीडियो में 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं एंड गाइस 1.1 मिलियन लाइक आए हैं। तो आपको कैसे इस सॉन्ग पे इस टाइप का वीडियो बनाना है यही सिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में लिरिक्स आता है ठीक है, तो आपको कैसे इस टाइप का लिरिक्स लगाना है स्टार्टिंग में। एंड गाइस जो मॉडल वाला वीडियो आता है स्टार्टिंग में ब्लर किया गया रहता है एंड उसके बाद साउंड के हिसाब से लिरिक्स भी ऊपर लिखा हुआ लेफ्ट राइट करके आता है। तो आपको कैसे इस टाइप का लिरिक्स वगैरह लगाना है एंड बीट के हिसाब से कैसे आपको एनिमेशन वगैरह डालना है, तो सब कुछ सिखाने वाला हूँ। बस यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए बिना बकवास के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ना हम कैपकट एप्लीकेशन का यूज करेंगे इस वीडियो को बनाने के लिए। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, लेकिन कैसे इसको गूगल क्रोम से डाउनलोड करना है वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा ठीक है। एंड इसको चलाने के लिए वीपीएन का जरूरत पड़ेगा, जो कि आप प्ले स्टोर में जाके बहुत सारा वीपीएन मिलेगा। तो आप कोई सा वीपीएन को डाउनलोड करके कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे हम देखते हो सिक्योर वीपीएन डाउनलोड करके कनेक्ट किए ठीक है, तो आप कनेक्ट कर लेना। सो यहाँ से हम कैपकट को ओपन कर लेते हैं। तो कैपकट को ओपन करेंगे ना तो शो करेगा न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, सिंपली इस पर आप टिक करना ठीक है। टिक करने के बाद आपके यहाँ पे सारी वीडियो वगैरह शो करेंगे। तो आप यहाँ पे उस वाले वीडियो को लेना होगा जिस वीडियो को आप एडिट करने वाले हो ठीक है। तो यहाँ पे ना हम अपने खुद का ही वीडियो को ले लिया, कुछ इस प्रकार से वीडियो है, नॉर्मल से वीडियो है ठीक है। देख तो स्लो मोशन वगैरह कुछ भी नहीं है ठीक है, बस एक वीडियो कुछ इस प्रकार से हम शूट किया। तो आपको अच्छी तरीके से एक्टिंग करते हुए वीडियो शूट कर लेना होगा। देन अब आपको लास्ट में आ जाना होगा ठीक है। ब्लैक लेयर को आप सबसे पहले डिलीट करना यहाँ से कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले इसका ना जो म्यूजिक इसको ऑफ करेंगे, इसके बाद ओरिजिनल ऑडियो भी एड करना होगा ना। तो इसको ऑफ करने के लिए इस पर टिक करना, शो के वॉल्यूम का ऑप्शन, इस पर टिक करके आप इसको जीरो कर देना। देन इतना करने के बाद गाइस अगर आप इंस्टा पार्ट हटाना चाहते हो, मान लीजिए सर यहाँ से ना हम इंस्टा पार्ट हटाना चाहते हैं ठीक है, यही से मेरा वीडियो स्टार्ट होना चाहिए, तो नीचे शो करके स्प्लिट का ऑप्शन ठीक है टिक कर देना, कट लग जाएगा। देन इंस्टा पार्ट को आप डिलीट कर देना कुछ इस प्रकार से ठीक है। इधर का भी पार्ट हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो कुछ इस प्रकार से। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा ठीक है। स्टार्टिंग में आने के बाद जो प्लस का ऑप्शन आप देख सकते हो, इस पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपकी फिर से वीडियो अगर शो करेंगे तो आप जाकर ना 25 सेकंड का एक वीडियो डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में ठीक है, मिल जाएगा। तो उस वाले वीडियो को ना यहाँ पे हम ले लेते हैं, लिरिक्स टाइप का वीडियो रहेगा। ऑलराइट गाइस वीडियो यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले इसका ना म्यूजिक हम निकालेंगे। तो म्यूजिक निकालने के लिए आप वीडियो पे टिक करना, नीचे शो करेगा यही पे स्ट्रिक्ट ऑडियो का ऑप्शन आप देख सकते हो। सिंपली इस पर आप टिक करोगे तो यहाँ पे म्यूजिक इसका निकल जाएगा। सो निकल चुका है म्यूजिक। निकलने के बाद गाइस आपको यहाँ पे आ जाना होगा गाइस, जहाँ पे ना दूसरा वाला म्यूजिक आना स्टार्ट हो रहा है चूल्हे में चिंगारी, जहाँ से बोलना स्टार्ट करा है गाइस यार यहाँ पे आपको आ जाना होगा ठीक है, यहीं से बोलना स्टार्ट हो रहा है। आप वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो या म्यूजिक में भी आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है। तो कुछ इस पोजीशन में आने के बाद अपने वीडियो पे टिक करना। टिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम कट लगाएंगे ठीक है, नीचे शो करके यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन टिक करके हम कट लगा लेते हैं। देन इतना करने के बाद आप इधर स्लाइड करोगे तो यही पे ना एक ऑप्शन शो करेगा ओवरले का ऑप्शन, आप देखो तो क्रोमा की के बगल में शो करेगा। देन इस पे आप टिक करना। टिक करने के बाद गाइस यार यहाँ पर वीडियो के नीचे ये वाला पार्ट आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे आ जाना होगा जहाँ तक वीडियो का लेयर है, तो आपका भी वीडियो का भी लेयर यहाँ तक रहना चाहिए। तो नीचे शो करके स्प्लिट का ऑप्शन टिक करके इंस्टा पार्ट को आप डिलीट कर देना इतना ठीक है। इतना करने के बाद गाइस लेयर पे आप टिक करना, नीचे वाले लेयर पे ब्लैक वाले लेयर पे ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ कर हम यहाँ पे इतना छोटा करेंगे, देन यहाँ पर इसको ऊपर में लगा लेंगे। तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको ना, इसको अब यहाँ पे हटाना होगा, मतलब रिमूव करना होगा। तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, पहले यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। इतना करेंगे हटाने के लिए यहीं पर शो करें स्प्लाइस का ऑप्शन, सिंपली इस पर आप टिक करना। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और हाँ वीपीएन से कनेक्ट रहना चाहिए वाला एप्लीकेशन, तब यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो प्ले स्टोर से जाकर कोई सा वीपीएन को आप जाकर डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे ना बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप डाटा ऑन कर लेना जल्दी खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो करें फिल्टर, सिंपली आप इस पर टिक करना ठीक है। टिक करते ही देख सकते जो बैकग्राउंड में ब्लैक ब्लैक था ना वो हट चुका है, तो कुछ इस प्रकार से ब्लैक ब्लैक हटा लेना होगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप एक एक को भी ट्राई करके देख सकते हो कौन से पे हम टिक कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है हट जा रहा है ठीक है। तो फिल्टर में अच्छे तरीके से हट जा रहा है, इसको आपको 100 रखना होगा, देन टिक करेंगे। टिक करने के बाद अब इसको आप छोटा बड़ा कितना करना चाहते हो आप रख सकते हो ठीक है, अपने वीडियो के हिसाब से। देन इतना करेंगे, अगर आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाओ ना तो कुछ इस प्रकार से गाइस देखते हो, तो लेफ्ट राइट करके लिरिक्स आ रहा है। और हाँ इस लिरिक्स को बनाने में काफी मेहनत लगा है, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस सर यहाँ पे ना आपको ना एकदम डिमांडेड वाला वीडियो मिलेंगे, आप कमेंट करोगे किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो नेक्स्ट वाला गाइस सर उसी टाइप का आएगा, तो आप कमेंट करना बस ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, लिरिक्स मात्र एक क्लिक में लग चुका है। तो अब बारी आती है गाइस सर बीट लगाना एंड उसके बाद गाइस सर बीट के हिसाब से एनिमेशन लगाना। तो गाइस सर यहाँ से ना हम बैक करेंगे ठीक है। बैक करने के बाद गाइस सर जो लेयर है ना म्यूजिक वाला, इस पर आप टिक करना।
टिक करने के बाद गाइस नीचे शो करेगा यहाँ पे मैच आउट का ऑप्शन, यहीं पे शो करेगा मैच आउट का ऑप्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली आप इस पे टिक करना कॉपी के बगल में, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन इस पे टिक करने के बाद गाइस यहाँ से आपको वीडियो को प्ले करना होगा। प्ले करने के बाद आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे टक टक सा बीट आ रहा है, मतलब कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एनिमेशन लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइक का यूज किए, आपको म्यूजिक सुना भी नहीं सकते क्योंकि गाइस कॉपीराइट भी का थोड़ा बहुत इशू है, तो आप समझ ही सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से वीडियो को प्ले करना, मान लीजिए यहाँ पे एक बीट आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा, नीचे शो कर एड बीट का ऑप्शन, सिंपली आप इस पर टिक करोगे ना तो यहाँ पे बीट एड हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे बीट आ रहा है ना, तो कुछ इस प्रकार से गाइस आपको यहाँ पे ना बीट लगा लेना होगा। तो यहाँ पे ना हम बीट को ऐड कर लिए कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गाइस फर्स्ट बीट है, सेकंड, थर्ड, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ना हम 3, 3, 6, 7, 8, 9 बीट ऐड किए हैं, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से 9 बीट को ऐड कर लेना होगा। आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हो, कुछ देखते हो, तो गाइस इसी पोजीशन में आपको बीट ऐड करना होगा, ठीक है। देन यहाँ से हम डन करेंगे। अगर आपके यहाँ पे म्यूजिक नहीं सुना रहा होगा तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। म्यूजिक क्लियर पे टिक करोगे तो यहीं पे शो करेगा वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम 100% कर देना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आपका शायद 0 हो गया होगा, तो आप यहाँ पे ना 100 कर देना, देन टिक करना। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से अब आपको बीट दिख रहा होगा, गाइस कहाँ कहाँ पे बीट है। तो फर्स्ट वाले बीट को आपको छोड़ देना होगा। देन गाइस जहाँ से सेकंड वाला बीट स्टार्ट हो रहा है, गाइस अभी यहाँ पे हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे, सॉरी कट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मेरा सेकंड वाला बीट आ रहा है, तो गाइस यहीं पे ना हम कट लगाएंगे। तो आपको ना कुछ इस प्रकार से खींच के बड़ा कर देना होगा। इस पोजीशन में आएंगे, वीडियो पे टिक करेंगे, नीचे शो करके स्प्लिट का ऑप्शन टिक करके कट लगा लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हम बीट लगाएं कुछ इस पोजीशन में आकर हम कट लगा लेते हैं। ऑल राइट गाइस, बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कट लगा लिए अपने वीडियो में। सो इतना करने के बाद गाइस फर्स्ट वाले पार्ट में हम ब्लर इफेक्ट लगाएंगे। आप ब्लर इफेक्ट देखे होंगे, तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको आ जाना होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेयर को इतना हम बड़ा करेंगे, आपको कुछ इस पोजीशन में आ जाना होगा। यहाँ से हम बैक करेंगे, नीचे शो करेंगे इफेक्ट का ऑप्शन टिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट पे टिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करना होगा, यहाँ पे आपका डाटा ऑन होना चाहिए, पहले ही हम आपको बोले हैं, तभी ये वाला एप्लीकेशन सही ढंग से काम करेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ खुल के आ जाएगा। देन शो करेगा बेसिक का ऑप्शन, आप देख सकते हो। सिंपली इस पर टिक करोगे ना तो यहाँ पे 2-3 ब्लर आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे डायमंड जो हेलो ब्लर, तो आपको यहाँ पे हेलो ब्लर लगाना होगा। तो हेलो ब्लर पे आप सिंपली टिक करना। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्पीड स्लो है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए खुल के नहीं आ रहा जल्दी। तो हेलो ब्लर खुल के आ चुका है, देन इस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद गई सर देख तो स्टार्टिंग में लग चुका है। देन यहाँ से हम सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गई सर यहाँ तक इसका लेयर रखेंगे, ठीक है, जहाँ तक फर्स्ट वाले पार्ट का लेयर है, ठीक है। तो यहाँ तक लेयर है, तो यहाँ तक लेयर को रखेंगे। देन इसको ना स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लगाएंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आगे चला गया था। देन इसका लेयर कुछ इस प्रकार से इतना बढ़ा देंगे। तो गई सर यहाँ पर ना देख तो कुछ इस प्रकार से गई सर यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में ये वाला गए सर ब्लर इफेक्ट लग चुका है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस पर आप टिक करना, शो करेगा एडजस्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो स्पीड को ना गई सर यहाँ से आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आप यहाँ पर स्पीड को 10 रखना, ठीक है। तो गई सर स्पीड को आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद गए सर फिर से इस वाले पार्ट में आप टिक करना, शो करके एनिमेशन का ऑप्शन, इस पर टिक करके इन पे टिक करना। थोड़ा सा वेट करोगे, यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ से रोक वर्टिकल भी लगाना चाहते हो तो इसको भी लगा सकते हो, अच्छा है, ठीक है। टाइमिंग को गई सर यहाँ से अपने वीडियो के हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना 1.5 सेकंड रखेंगे, देन डन करेंगे। अगर गई सर यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ ना, तो गई सर ये वाला पार्ट कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइमिंग को हम कम रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। टाइमिंग इतना रखेंगे, देन फिर से सही पे टिक करेंगे। अब देख सकते हो गई सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ इस प्रकार से गई से आ रहा है, ठीक है। तो गई सर यहाँ पे देख सकते हो गई सर ब्लर इफेक्ट एंड गई से एनिमेशन लगा दिए। इधर वाले पार्ट में भी अभी एनिमेशन लगाएंगे, ठीक है। तो गई सर फिर से इधर वाले पार्ट पे आप टिक करना, फिर से एनिमेशन पे क्लिक करना। आप यहाँ से ना इन या गई सर कॉम्बो दोनों में से आप किसी को भी लगा सकते हो। मान लीजिए कॉम्बो पे हम टिक करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारा आपको अच्छे अच्छे एनिमेशन देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए इसको लगाएंगे थर्ड नंबर वाले, तो कुछ इस प्रकार से लगेगा। देन टाइमिंग को पूरा रखना होगा इधर के पार्ट में, ठीक है। देन टिक करेंगे गाइस सर, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से गाइस सर इधर के पार्ट में आपको सभी पार्ट में एनिमेशन को लगा लेना होगा। तो गाइस सर एक एक करके ना हम अलग अलग एनिमेशन को लगा लेते हैं। तो गाइस सर यहाँ पे ना बहुत सारे आपको एनिमेशन देखने को मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगे गाइस सर उस वाले एनिमेशन को लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा अच्छा एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो और भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहते हो तो मुझे ना इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर सकते हो। मेरा यूजर नेम है tekajay01, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। देन अब सब पार्ट में यहाँ पे एनिमेशन लगा दिया। अगर आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो देख सकते हो गाइस सभी पार्ट में एनिमेशन लगा दिए हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सभी पार्ट में एनिमेशन को लगा लेना होगा एक एक करके। सो वीडियो को एक्सपोर्ट करते बन के रेडी हो चुका है। तो ऊपर शो करेगा यहाँ पे ना डाउनलोड का ऑप्शन, सिंपली इस पर आपको टिक करना होगा। देन यहाँ पे ये वाला वीडियो गाइस डाउनलोड होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेव होना स्टार्ट हो जाएगा।